दिस इज अवर यूनिट सेकंड, जिसका कि फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्न समंकों से मध्य, मध्य का और भूयिष्ठ ज्ञात कीजिए, प्राइजेज एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट इसमें हमें कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन एंड मोड। तो उसके लिए हमें टेबल बनानी होगी। इस टेबल में हमने लिए हैं 7 कॉलम्स, जिसमें फर्स्ट कॉलम है हमारा प्राइजेस का, डेट इज अ क्लास ग्रुप्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट इज मिड वैल्यू, जो कि हो जाएगा हमारा एक्स। नेक्स्ट है हमारा डी एक्स, डी डैश एक्स, एफ डी डैश एक्स और सी एफ। तो यहाँ हम बना रहे हैं क्लास ग्रुप्स। तो फर्स्ट क्लास ग्रुप हमारा कितने का दिया हुआ है, 10 टू 20 का। तो हम जो इंटरवल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 10 का ही इंटरवल ले रहे हैं, और फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 10 से 20 में। तो फर्स्ट क्लास ग्रुप हो गया हमारा 10 टू 20, हमारी इंटरवल कितनी है 10। तो नेक्स्ट ग्रुप भी क्या होगा हमारा 10 इंटरवल का ही होगा, वो किससे स्टार्ट होगा, 20 से। तो 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, ये हो गया हमारा 90 तक सारे 10 के इंटरवल्स के क्लास ग्रुप्स। नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या है, क्यूमुलेटिव में है, जिसको कि हम सिंपल फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही किया है कि जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमने सिंपल में चेंज किया है। नेक्स्ट, नाउ वी विल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये देखिए 10 टू 20 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको 4 गिवन है। तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 10 टू 20 के ग्रुप की ही फ्रीक्वेंसी चाहिए, डैट इज 4, वो है हमारी 4, ये देखिए। नेक्स्ट है 10 से 30। अब यहाँ ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 10 से 30 की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 16 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 से 20 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, 20 टू 30 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 16 माइनस 4, 16 में से क्या करेंगे, 10 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 16 माइनस 4, डैट इज 12। 12 हमारी क्या हो गई, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। सेम यही प्रोसीजर करेंगे। अब आपको गिवन है 10 से 40 की फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 10 से लेके 40 तक कितनी वैल्यूज आ रही है, 56 वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन आपको ये बोला गया है कि 10 से 30 में कितनी वैल्यूज हैं, 16 हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 से 40 के लिए क्या करेंगे, 56 माइनस 16 कर देंगे, 40 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें गिवन है 10 से 50 की। अब हमें चाहिए 40 से 50 की वैल्यूज, तो 40 से 50 के लिए हम क्या करेंगे, 10 से 40 की वैल्यूज को लेस कर देंगे, यहाँ होगा 97 माइनस 56, क्यों सारी नीचे की वैल्यूज को लेस कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 41, ये आ गई हमारी 40 से 50 के बीच की। नेक्स्ट है 10 से 60 की। अब 10 से 60 की वैल्यूज है हमारी 124, वही सेम प्रोसीजर है, माइनस 97 कर देंगे, क्योंकि 50 से नीचे जितनी भी वैल्यूज है, तो वैल्यू आ गई आपकी 27, ये आ गई आपकी 27 50 टू 60 में। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर है, सेम चल रहा है ये, 137 माइनस 124 कर देंगे 60 से नीचे की सारी, तो इसमें क्या हो गया हमारा, वैल्यू आ गई 13। नेक्स्ट 146 माइनस 137 कर देंगे, तो वैल्यू आ गई हमारी 9। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, 150 माइनस 146, तो वैल्यू आ गई आपकी 4। तो इस टाइप से हम इन क्लासेस में फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारी मिड वैल्यू। आपको पता है कि कंटिन्यूस सीरीज में हमें क्या करना होता है, क्लास ग्रुप्स की मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। मिड वैल्यूज का हमारा फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 हमारी क्या है, यहाँ पर 10 है, और L2 क्या है हमारी 20।
लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा आपका 15। नेक्स्ट 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू आ गई आपकी 25। 30 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35। 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45। 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 55। 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 65। 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 75। 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 85। इस टाइप से हमने सारी मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा dx का। dx के लिए हमें अज्यूम मीन लेना होगा। हमने क्या किया, इसकी जो ये सेंट्रलाइज वैल्यू है उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है, अज्यूम मीन। आप इसमें कोई भी वैल्यू को अज्यूम मीन मान सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो a इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने 45। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ dx। तो ये जो मिड वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं वो हमारी क्या होती है, x हो है तो x माइनस a है हमारा 45, तो x माइनस a कर देंगे यहाँ पर 15 माइनस 45, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 30। इधर 25 माइनस 45 वैल्यू आ गई आपकी माइनस 20। 35 माइनस 45 दैट इज माइनस 10। 45 माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 15 माइनस 45 इक्वल्स टू 10। 65 माइनस 45 इक्वल्स टू 20। 75 माइनस 45 इक्वल्स टू 30। 85 माइनस 45 इक्वल्स टू 40। ये फाइंड आउट हो गया हमारा dx। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ d डैश x। d डैश के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, dx डिवाइडेड बाय i। i क्या है हमारा 10, यहाँ पे i हमारा क्या है 10। तो ये है dx डिवाइडेड बाय 10 दैट इज माइनस 3। माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज माइनस 2। माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज माइनस 1। 0 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0। 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1। 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2। 10 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3। और इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 4। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया है डी डैश एक्स का। नाउ मीन के लिए हमें क्या करना होगा, डी डैश एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ दैट, तो डी डैश एक्स है ये और फ्रीक्वेंसी है ये, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज माइनस 12। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज माइनस 24। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज माइनस 40। 0 मल्टीप्लाई बाय 41 दैट इज 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 27 दैट इज 27। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज 26। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 27। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16। ये हो गया एफ डी डैश एक्स का कैलकुलेशन। नाउ अब इसका हम टोटल कर देंगे, डैट इज सिग्मा एफ डी डैश एक्स इक्वल्स टू 20। और एन का भी टोटल किया, डैट इज फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो है हमारा 150। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ सी एफ। सी एफ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हमें गिवन है तो वो ही हम, वैसे तो ये क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ग्रुप्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इस इधर से भी क्यूमुलेट करके देख सकते हैं। डैट इज अब हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 12, 40, 41, 27, 13, 9 एंड 4, ये हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें कैलकुलेट करनी है सी एफ, तो सबसे पहले हम यही 4 लिखेंगे, उसके बाद में 4 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा हमारा 16। 16 प्लस 14 डैट इज 56। 56 प्लस 41 डैट इज 97। 97 प्लस 27
दैट इज 124 प्लस 13 दैट इज 137 प्लस 9 दैट इज 146 प्लस 4 दैट इज 150। कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीन का हमारा फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fd डैश x डिवाइडेड बाय n इनटू i। a हमने अज्यूम किया था 45, सिग्मा fd डैश का टोटल आया हमारा 20, n है हमारा 150, i भी है हमारा 10। इन सबको सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या किया, पहले इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई हमारी 1.33। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x बार आ गया हमारा 46.33। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट हमें निकालना होता है m, m दैट इज साइज ऑफ n बाय 2 आइटम, n कितना है हमारा 150 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 75th आइटम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसको देखेंगे, उसके बाद में हम मीडियन ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो 75 वाली फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो हमारा जो मीडियन ग्रुप हो गया वो हो क्या हो गया 4250 हमारा मीडियन ग्रुप हो गया है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 41 इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें इसमें क्या चाहिए होता है, सी भी चाहिए होता है, सी दैट मीन्स जो मीडियन ग्रुप है उससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। मीडियन ग्रुप है हमारा 4250 वाला, इसके पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 56, ये आ गया हमारा 56। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला m इक्वल्स टू L1। ये देखिए ग्रुप आया हमारा 4250, ठीक है। इसमें लोअर लिमिट कितनी है हमारी 40, आई है हमारा 10 डिवाइडेड बाय f। हमने उधर देखा था कि मीडियन ग्रुप है हमारा 4250 जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी 41, जिसको कि हमने यहाँ f में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नेक्स्ट इज m माइनस c, स्मॉल m हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, डैट इज 75 माइनस 56 है हमारी मीडियन ग्रुप के पहले वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डैट इज 56। नाउ इन दोनों को माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डैट डिवाइडेड बाय 41, तो वैल्यू आ गई हमारी 4.63। 40 प्लस 4.63 डैट इज 44.63, वो है हमारा मीडियन। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ मोड। कैलकुलेशन ऑफ मोड, मोड के कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ये रही हमारी टेबल, इस टेबल में हम देख रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 41 कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, 40 से 50 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। अब इस 40 to 50 वाला ग्रुप क्या हो गया हमारा मॉडल ग्रुप हो गया है। नेक्स्ट जो मॉडल ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं F1, और उससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे F0, और उसके बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे F2। तो F0 है आपका 40, F1 है 41, F2 है हमारा 27। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। इंस्पेक्शन मेथड से हमने देखा कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या है 41, तो मॉडल ग्रुप हो गया हमारा 40 to 50। दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ मोड। L1 क्या हो गई इसकी लोअर लिमिट है 40 प्लस F1। F1 क्या था हमारा 41 क्या था हमारा F1, F0 था हमारा 40, F2 था हमारा 27। ये हमारे तीनों फ्रीक्वेंसीज थी, अब इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 है हमारा 41 माइनस 40, अब है 2F1, 2F1 है हमारा 41 माइनस 40, यहाँ आएगा F2 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय आई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 82 माइनस 67,
82 माइनस 67 हम करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारी 15, इधर आ गई हमारी वैल्यू 15, ठीक है। नेक्स्ट जो आई है, आई को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे वैल्यू आ गई हमारी 10, डैट इज 10 डिवाइडेड बाय 15, डैट इज 0.67, 40 प्लस 0.67 हो गया हमारा 40.67 हो गया हमारा मोड। तो इस टाइप से ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड। यूनिट सेकंड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सेकंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ टू यूनिवर्सिटीज गिवन बिलो फाइंड आउट विच इज बेटर, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। दो विश्वविद्यालयों के परिणामों से ज्ञात कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। तो बेटर के लिए हम क्या करेंगे, इनके एवरेज रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। उससे भी हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट भी फाइंड आउट करेंगे, जो कि फाइंड आउट होगा वेटेड अर्थमैटिक मीन से। वेटेड अर्थमैटिक मीन के लिए हम इसमें एक बार क्रूड रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। क्रूड रिजल्ट्स का मीनिंग यही है कि जो सिंपल इसमें ये वेट्स गिवन है, वेट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, उसे मल्टीप्लाई करके हम क्रूड रेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इससे भी क्या होता है, प्रॉपर आप कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। तो कंपेरेटिव स्टडी के लिए आप क्या करेंगे, हमें जो फर्स्ट वेरिएबल गिवन होता है, यहाँ पे फर्स्ट गिवन है हमें यूनिवर्सिटी ए, तो इस यूनिवर्सिटी ए को हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, फाइन। और सेकंड को क्या मानना है हमें, लोकल। और इसके ये जो वेट्स हमें गिवन है, इन्हीं वेट्स पे हमें क्या करना है, इसकी भी स्टडी करनी है और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। एग्जामिनेशंस आर गिवन यूनिवर्सिटी ए एंड बी में, आपको परसेंटेज ऑफ पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100, परसेंटेज ऑफ पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100 इज गिवन। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें एवरेज फाइंड आउट करना है, जिसके लिए कि हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। दिस इज अ सॉल्यूशन टेबल जिसमें एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी क्या है आपकी एज, जिसमें परसेंटेज ऑफ पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी बी में भी ये दोनों कॉलम हमने कॉपी किए हैं क्वेश्चन से। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज W1 X1, चूंकि इसमें हमें बेटर कंपैरिजन करना है तो हम इसमें वेटेड अर्थमैटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वेटेड के लिए क्या किया है, ये तो है हमारा X1 और जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा क्या होता है, वेट होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है जिसको हमने नेमिंग दे दिया है W1। तो इधर है कॉलम में W1 मल्टीप्लाई बाय X1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब इधर क्या है, W2 और X2, W2 इसकी फ्रीक्वेंसी को W2 बोला है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा W2 X2। नेक्स्ट कॉलम हमने लिया है W1 X2। W1 डैट मीन्स जो हमने स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी मानी है यूनिवर्सिटी ए को, उसके जो भी वेट है वो है W1 और X2 है लोकल यूनिवर्सिटी बी का वैल्यूज, ठीक है। Now we will find out the simple arithmetic mean. Simple arithmetic mean कैसे find out करेंगे, जो percentage of pass हमें given है that is divided by n, sigma x divided by n. Sigma x हमें क्या given है, 432 divided by n that is 6. तो वैल्यू आ गई हमारी 72%। और इसमें भी सिंपल अपन निकाल रहे हैं तो X2 की वैल्यू भी क्या है, 432 डिवाइडेड बाय 6 डैट इज 72%। तो यहां हमने जब सिंपल अर्थमैटिक मीन कैलकुलेट किया तो दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, जिससे कि आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। तो इसके लिए हम आगे फर्दर क्या प्रोसीजर लेंगे, हम क्रूड रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्रूड रिजल्ट्स के लिए अब हमने क्या किया, W1 और X1 फाइंड आउट कर लिया। W1 X1 क्या होगा, 71 मल्टीप्लाई बाय 3, 83 मल्टीप्लाई बाय 4, 66 मल्टीप्लाई बाय 3, 73 मल्टीप्लाई बाय 5, 74 मल्टीप्लाई बाय 2, 65 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया आपका W1 X1। W2 X2 82 मल्टीप्लाई बाय 2, 76 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 73 मल्टीप्लाई बाय 6, 76 मल्टीप्लाई बाय 7,
65 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गई आपका W2X2। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ W1 और X2। W1 और X2 के लिए क्या करेंगे, ये है आपका W1 और ये है आपका X2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ गई ये 4 मल्टीप्लाई बाय 76, डैट इज 304। 3 मल्टीप्लाई बाय 60, डैट इज 180। 5 मल्टीप्लाई बाय 73, डैट इज 365। 2 मल्टीप्लाई बाय 76, डैट इज 152। 3 मल्टीप्लाई बाय 65, डैट इज 165। ये है हमारा W1X2। नाउ अब इन सब का हमने टोटल कर लिया है, ये क्रूड रिजल्ट्स। क्रूड रिजल्ट्स में सिग्मा W1 और X1 की वैल्यू हमारी ऊपर टेबल में थी 1451, डिवाइडेड बाय सिग्मा W1 था 20, तो परसेंटेज आ गई हमारी 72.55%। ये है यूनिवर्सिटी ए की। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी बी का, W2X2 की वैल्यू आई हमारी 1977। W2 की वैल्यू है आपकी 28, तो वैल्यू आ गई आपकी इसमें 70.61। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, क्रूड रिजल्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ए और क्रूड रिजल्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी बी फाइंड आउट कर लिया है। तो इसमें आपने क्या डिसीजन लिया कि यूनिवर्सिटी ए बेटर है, बट ये एक अच्छे कंपैरिजन नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही यूनिवर्सिटी मतलब सेम वेट लेकर दोनों यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करेंगे। यूनिवर्सिटी ए का स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा 72.55%। हमें कैलकुलेट किसका करना है, यूनिवर्सिटी बी का, जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा W1 X2 डिवाइडेड बाय सिग्मा W1, क्योंकि हम वेट किसके ले रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के ले रहे हैं। इधर वैल्यू आई थी हमारी 1442 डिवाइडेड बाय 20, तो इधर भी वैल्यू क्या आ गई, 72.10%। तो अब आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ए की जो क्रूड रिजल्ट था वो भी यही था और स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो भी यही है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी बी का जो क्रूड रिजल्ट था वो क्या था, 70.61, और स्टैंडर्ड रिजल्ट कितना कैलकुलेट हुआ है, 72.10%। फाइन, तो अब आप इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ए के दोनों रिजल्ट इससे बेटर हैं। तो अब क्या डिसीजन लिया आपने कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, यूनिवर्सिटी ए हमारी कंपैरेटिवली बी से बेटर यूनिवर्सिटी है क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमारे अच्छे आ रहे हैं। यूनिट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है ये, विच एवरेज वुड बी मोर सूटेबल इन फॉलोइंग केसेस। अब आपको नीचे केसेस गिवन है जिसमें आपको कौन सा एवरेज यूज करना है ये बताना है। फर्स्ट इज एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। इन द सेंस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, आप ये देखेंगे कि जो भी आपका कस्टमर बार बार आपसे डिमांड कर रहा है आप वही साइज आप अपने स्टॉक में रखेंगे, तो उसके लिए आप कौन सा मोस्ट रिपीटेटिव साइज देख रहे हैं, मोस्ट रिपीटेटिव वेरिएबल देख रहे हैं। तो मोस्ट रिपीटेटिव वेरिएबल अपन किस में फाइंड आउट करते हैं, दैट इज मोड। नेक्स्ट इज एवरेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको स्टडी करनी है, देखना है, इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज कौन सा यूज करेंगे, दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। ज्यादा प्रेशियस चीजें हैं उनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेंगे, ज्यादा वेट देंगे, और कम प्रेशियस चीजों को कम वेट देंगे। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए हम यूज करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डेकेड। अब आपको फाइंड आउट करना है जनसंख्या वृद्धि दर, जब भी आपको दो पीरियड्स के बीच में इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना होता है, चाहे वो पॉपुलेशन हो चाहे रेट्स हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन यूज करना होगा। यहाँ देखिए ज्योमेट्रिक मीन यूज करना होगा। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड ऑफ पायलट हु फ्लाइज द एरोप्लेन एट डिफरेंट पीरियड। अब क्या कर रहा है, इसमें आपको क्या फाइंड
क्या कंडीशन गिवन है, एवरेज स्पीड ऑफ पायलट गिवन है, जो कि डिफरेंट स्पीड से क्या कर रहा है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। जब भी आपको एवरेज स्पीड, एवरेज प्राइस, जिसमें कि क्या है, दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल होंगे इसमें, जैसे हो गया स्पीड में क्या हो गया किलोमीटर पर आर, तो किलोमीटर और पर आर दो वेरिएबल्स हो गए, तो इन दोनों वेरिएबल्स की स्टडी किसमें करते हैं हम, हार्मोनिक मीन में, हरात्मक माध्य में। नेक्स्ट, एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। जब भी आपको इंटेलेक्चुअल दैट मींस क्वालिटेटिव वेरिएबल की स्टडी करनी होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मीडियन। मीडियन इसका बेस्ट वे है, बेस्ट एवरेज है। नाउ फॉर एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, मोड इज सूटेबल एवरेज फॉर शॉपकीपर वुड लाइक टू कीप गारमेंट्स ऑफ डेट साइड विच इज डिमांडेड बाय द मोस्ट ऑफ द कस्टमर। सेकेंड इज फॉर एवरेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स, वेटेड अर्थमेटिक मीन इज सूटेबल एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द वर्कर्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट, फॉर एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर डेकेड्स, ज्योमेट्रिक मीन इज सूटेबल एवरेज एज पॉपुलेशन इंक्रीज इन द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। फॉर एवरेज स्पीड ऑफ पायलट हु फ्लाइज द एरोप्लेन इन डिफरेंट पीरियड, हार्मोनिक मीन इज सूटेबल एवरेज एज टाइम इज वेरिएबल एंड स्पीड इज कॉन्स्टेंट। यहाँ आपको बोला कि दो चीजें गिवन है कि टाइम और वेरिएबल, जिसमें एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, मीडियन इज सूटेबल एवरेज एज द क्वालिटेटिव फिनोमिना।